अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4,000-5,000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4,000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही हैं, बड़ी सोच समझ के कही हैं। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से, मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता।
दोस्तों केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं यहां मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर एक नी, दो नी, तीन नी, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों के अंदर। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा है इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो, उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ बहनें महिलाएं बहुत रोईं, कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं, पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी। उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की जय।